दिल्ली का ट्रैफिक देख लो गाइस। गाइस आ चुका है हमारा खाना, बड़े खड्डे भाई। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ अपने फेवरेट जगह, मतलब इतनी रात को भी थी तो ऑब्वियसली बात है घर के पास ही जाऊंगी। आज मैं पंकज को लेके जा रही हूँ, और जिसने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा तो उसको पता होगा कि मेरा मतलब घर के आसपास जो है फेवरेट जगह कौन सा है। और बाकी मैं आपको मेट्रो वगैरह जैसे भी जा रही हूँ वो अभी नहीं दिखाऊंगी, सीधे उस लोकेशन में पहुँच के ही आपको दिखाती हूँ। और वहाँ ना मुझे बताऊँ कुछ खाने की क्रेविंग हो रही थी, ये भी नहीं बताऊँगी, अगर मैंने उस चीज़ का नाम लिया ना तो पता चल जाएगा, और उनको पता ना चले लेकिन सोनाक्षी सवाल को ज़रूर पता चल जाएगा। तो इसीलिए व्लॉग में बने रहिए और पूरा व्लॉग देखिए हमारा, कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कौन सा मेरा फेवरेट जगह है जिसको नहीं पता तो उसको पता चल जाएगा कि मेरे घर के आसपास जो भी है मेरा फेवरेट प्लेस कौन सा है। तो चलिए चलते हैं गाइस। तो हम लोग ना सोचते हैं कि हम लोग दिन में जाएंगे बाहर घूमेंगे, कोई लोकेशन सोच कर रखते हैं कि वहां जाएंगे और अच्छे से व्लॉग बनाएंगे, एंजॉय करके आएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी है कि घर से बाहर निकलने का हमें मन ही नहीं करता है। मतलब घर से बाहर दूर की बात है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का मन नहीं करता, इतना गर्मी है। और ये फेस का हालत देख के समझ ही सकते हो कि हमें कितना ज़्यादा गर्मी लग रहा है। या तो ऐसा है ना, यहाँ के लोगों को आदत हो गई, हम अभी पहाड़ से आ रहे हैं ना तो इस वजह से हमें ज़्यादा ही गर्मी लगती है। और मैंने बोला था कि आपको सीधे लोकेशन पर पहुँच के दिखाऊँगी, लेकिन मेट्रो नहीं आ रही थी तो सोचा कि यहाँ पर भी छोटे से क्लिप शूट कर लूँ। और हम इंतज़ार कर रहे हैं मेट्रो का, और कितना मिनट दिखाया टाइम, अभी टाइम दिखा रहा है यहाँ पे 2-3 मिनट का वेटिंग है, तो इसीलिए हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं। आज ये नहीं किया तूने दिल्ली का ट्रैफिक देख लो गाइस। हरी लाल का पान खाने आई थी, लेकिन अब पान खाने से पहले मैं यहाँ पे खाऊंगी गोलगप्पे, क्योंकि मुझे गोलगप्पे खाने की क्रेविंग हो गई है। तो पहले हम गोलगप्पे खाएंगे फिर पान खाएंगे। गोलगप्पे खाएगा, पान खाए सैया हमारो, लेकिन यहाँ पे बोलूंगी पान खाए भैया हमारो। चलो, और यहाँ पे गाइस हम आ चुके हैं पानी पूरी खाने, पंखा लगा ऊपर फिर तैयार हो चुके हमारे गोलगप्पे। और अपन कैमरा मैन है इसीलिए हम उठा नहीं रहे। खाया गया हमारे गोलगप्पा का चेस। गाइस आ चुका है हमारा खाना, पहले पेट पूजन फिर काम दूजन। तो देखा हम लोग यहाँ पे सिर्फ पान खाने आए थे, और हमने क्या क्या खा लिया, काठी रुमाली खाई हमने, पाव भाजी खाई हमने, गोलगप्पे खाए, और अब हम खा रहे हैं, दिखाइयो जरा पंकज गोला। हाँ, अब हम चुस्की खा रहे हैं, इसके बाद हम लास्ट में पान खाएंगे। पता है मैं जब चुस्की लेने जाते थे सोचा तब वीडियो बनाऊंगी, पर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ, प्रैंक हो गया गाइस। क्या वीडियो ही नहीं बना पाए ना ही हमने वीडियो ली। तो अब हम ले रहे हैं, और यह है मेरी चुस्की, और हम इसे खाएंगे, इसके बाद हम पान लेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा घूमेंगे और फिर हम घर को जाएंगे। मतलब अभी 10:30 बज गया है, 10:30 हो रहा है ना, अभी 10:30 हो रहा है, और मतलब 11:30 तक रूम पे जाएंगे आराम से। मतलब और यहाँ पे टोटली सेफ है, अभी सारी फैमिली घूम रही है यहाँ पे, बाकी मेरे पास मेरा बॉडी गार्ड है पर्सनल। थारा भाई पंकिया जिम करे हैं, किसी से ना डरे हैं। आइए पंकज जी। तो हम लोगों ने चुस्की खा ली थी और अब हम जा रहे हैं पान लेने के लिए। पान खाएंगे हम,
कौन सा वाला पान खाएगा? तूने पहले भी पान खाया है? नहीं, वैसे खाया नॉर्मल। इसने ना आज तक कुछ भी चीज पहले नहीं करी थी, इसको हर एक चीज पहले नहीं करवा रही हूँ। और पक्का ये जब बोलेगा ना कुछ चीज इन फ्यूचर, ये बोलेगा कि मुझे दीदी ही बिगाड़ रही है। नहीं, मैं अच्छे संस्कार दे रही हूँ। देखो, सब्जी लेना भी पहली बार मैं ही सिखा रही हूँ उसको, और बाकी काम नहीं बताऊंगी। चल, यहाँ पे पान लिया जा रहा है। गाइस, साथ में ब्लॉग भी बन रहा है, देखो। तो रात के 11 बजने वाले हैं और अब हम लोग ना घर के लिए निकल रहे हैं। हम लोगों ने पान खाया नहीं, ले लिया था। हमने सोचा कि मतलब काफी पहले ले लिया था, हमने सोचा खाएंगे, लेकिन पेट इतना फुल था कि पान नहीं खाया गया। अब आराम से घर जाके खाएंगे। और अब ना इतना आलस आ रहा है कि हम सोच रहे हम यहाँ से ऑटो से चले जाएँ, क्योंकि ऑटो से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। और अब तो रात भी हो गई है, तो ट्रैफिक भी थोड़ा कम है। बाई मेट्रो तो मेरे बस के हैं नहीं, और पैदल तो दूर दूर के बस के नहीं है। अरे फ़ोन पे लगा है, देख लो इसे। चलो ऑटो वाले भैया से पूछते हैं। हमने भैया के साथ बहुत बार्गेनिंग करी और उसके बाद हम फाइनली ऑटो मिल गई हमें, और हम जा रहे हैं। 20 रुपए बहुत होते हैं, 20 रुपए की तो आइसक्रीम आ जाएगी 10-10 वाली। तो हम लोग घर पहुंच गए हैं, और आज का व्लॉग मैं यही एंड नहीं करती क्योंकि इसे अब मैं कल मॉर्निंग में कंटिन्यू करूंगी। और अमित ने ना हमारे लिए बहुत सारे व्लॉग्स बनाए हैं और मैंने देखे, और उसको अवार्ड भी मिल गया। बाकी कल मैं एडिट करती हूँ उसके व्लॉग, और अब मैं कल शायद 2 टाइम व्लॉग डाल सकती हूँ। थोड़ा उसका मलेशिया का भी, जो उसकी मेहनत उसने करी है, तो थोड़ा वो दिखाऊंगी और बाकी थोड़ा अपना व्लॉग दिखाऊंगी। तो हम मिलते हैं कल मॉर्निंग में, अभी के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। हाय गाइस, तो वेलकम हो गया सभी का। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी दूसरे दिन से, तो आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और पंकज सुबह सुबह चले गए थे अपने पापा जी को मिलने। तो बताइए पंकज जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पापा जी को मिलके? अति उत्तम कहा, आशीर्वाद लेके आ गए टाइम पे। तो ये अपने पापा से मिलके आ गया, और ये बहुत ही बच्चे से दिखा रहे हैं। मतलब देखो, माँ बाप से मिलने की खुशी नेक्स्ट लेवल की होती है। और अभी मैं और पंकज जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, और पहले सब्जी लेंगे, फिर उसको रूम पे रखेंगे, और फिर आज का व्लॉग हम इसी के साथ एंड भी कर देंगे क्योंकि हमने अभी जाना है कहीं और, वो कहाँ जाना है दूसरे व्लॉग पे बताएंगे। ठीक है, इसमें येलो और वो रेड वाली डाल दीजिए ना। और लहसुन कैसे दिया? 70 रुपये। तो सब्जी हमने खरीद ली है, और अब हम जाएंगे गन्ने का रस पीने, क्योंकि बहुत गर्मी है, तो गर्मी से बचने के लिए हम गन्ने का रस पी रहे हैं। आ जा। हाँ हाँ, पी लेगा, तभी तो छोटे वाले करवाए। चीयर्स। हमारा मन ठीक है नहीं, अब हम आए हैं मोमो खाने। ये दिल है कि मानता नहीं। बड़े खद्दे भाई, हम भी खाने बिना किसी तरीके खा रहे हैं। हम लोगों ने सब्जियां भी खरीद ली, रस गन्ने का रस भी पी लिया, मोमोज भी खा लिए, पेट फट गया। तो अब हम रूम पे जा रहे हैं, और आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं। अब मिलेंगे हम आपको दूसरे व्लॉग में, वो भी हम अभी 1 घंटे के बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको दूसरे व्लॉग में डालेंगे। और बाकी आपको पता ही है आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, ठीक है? और अच्छे से इधर उधर फैलाओ यार, तुम प्यार नहीं दिखा रहे हो अपना, थोड़ा सा प्यार दिखाओ। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा तो हमें हमारे मेहनत का फल मिलना चाहिए ना, इधर है ना गाइस, फैला दो गाइस, फैला दो।